हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली टिप्स। मेरा नाम है रवि और दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रियलमी फ़ोन या किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में जो पैनिक बटन आता है पावर बटन में, उस फीचर को किस तरह से ऑफ करें या मॉडिफाई करें। तो देखते रहिए पूरी वीडियो, बात करेंगे आज इसी बारे में। दोस्तों आजकल लगभग हर नए फ़ोन में पैनिक बटन आ रहा है, या इसे इमरजेंसी कॉल बटन भी हम कह सकते हैं, जो इनबिल्ट आ रहा है। मैंने हाल ही में रियलमी का एक फ़ोन लिया था जिसमें ये फीचर है। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी इस बटन से, क्योंकि मुझे बार बार पावर बटन दबाने की आदत है। अपने पुराने फ़ोन यूज़ करता था उसमें मुझे ये आदत थी बार बार पावर बटन को दबाने की, लॉक स्क्रीन को ऑन करने की। तो गलती से अब ये दो तीन बार जब भी दबता है मेरे हाथ से तो ये कॉल लग जाती है 112 नंबर पर, जो जाती है आपके सीधा नज़दीकी एक पुलिस स्टेशन में। और मेरी जेब में भी एक दो बार इस तरह से हो चुका है ये, और गलती से पुलिस स्टेशन में कॉल जा चुकी है। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और शायद आपको भी हो रही हो इससे काफ़ी प्रॉब्लम। वैसे दोस्तों ये फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली अगर आप फीमेल है तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने ये फीचर मैंडेटरी करवाया है हर नए फ़ोन में। अब ये इनबिल्ट आ रहा है ये फीचर, इसलिए हम इस फीचर को ऑफ़ नहीं करेंगे। और शायद कुछ फ़ोन्स में ये ऑफ होता भी नहीं है, इनबिल्ट है ये फीचर। जो 112 नंबर है इसी पे कॉल लगती है जब भी इमरजेंसी बटन दबता है। तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि जो आपकी कॉल है वो पुलिस स्टेशन में ना जाए। तो हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर इस नंबर को चेंज कर देंगे और इसकी जगह हम अपनी फैमिली के किसी पर्सन का नंबर डाल देंगे ताकि इमरजेंसी में उनके पास हमारी कॉल लग सके। अगर इसको हटा देंगे तो फिर कभी अगर हमें इमरजेंसी हुई तो हम कॉल नहीं मिला पाएंगे वन बटन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फीचर, इसलिए किसी भी फैमिली पर्सन का जो हमारी कॉल उठा सके, जो हमेशा उठाता है, उसके नंबर हम इसमें डाल देंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और पुलिस स्टेशन में ये कॉल ना लगे और उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी वजह से या हमें इस बटन की वजह से। तो सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है और नीचे की तरफ चलना है। हमें एक ऑप्शन है सिक्योरिटी, इस पर हमें क्लिक करना है और इसमें जो एक SOS का जो ये ऑप्शन है एमरजेंसी SOS, इस पर हमें क्लिक कर देना है। हमने ये देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है इमरजेंसी नंबर्स, इस पर हमें क्लिक कर देना है। और यहाँ देखिए ये इमरजेंसी नंबर जो डिफ़ॉल्ट है वो 112 है, अभी इसको हमें चेंज करना है। इसकी जगह हमें एक और दूसरा नंबर डालना है, तो ऐड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स आ चुके हैं यहाँ पे, किसी भी कॉन्टैक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो मैं किसी भी कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। चलो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं किसी का भी कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हम मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर को, मैंने एक सिलेक्ट किया है अभी। ऐड इस पे प्लस बटन पे क्लिक कर देंगे और देखिए ये नंबर ऐड हो चुका है जो मैंने छिपा दिया है। अभी आप इस तरह से एक और नंबर ऐड कर सकते हैं, एक और मैं रैंडम नंबर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और ऐड यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये दो नंबर मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अभी होगा क्या, जब भी आपको कॉल मिलाएंगे तो ये कॉल अब डायरेक्ट नहीं मिलेगी और आपको एक लिस्ट दिखाई जाएगी नंबर्स की, किस नंबर पर आपको कॉल लगानी है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। इससे पहले एक फ़ीचर है जो ऑटो डायल द डिफ़ॉल्ट नंबर, इसको ऑफ करना है। अगर इसको ऑफ़ नहीं करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट नंबर है ये 112, इसी पे कॉल लगेगी हमारी। 3 सेकंड का काउंटडाउन होगा, तब तक अगर आपने नंबर सिलेक्ट नहीं किया तो इस पे ही कॉल लगेगी। तो हम इस ऑप्शन को अगर ऑफ़ कर देते हैं यहाँ पे ऑटो डायल द डिफ़ॉल्ट नंबर, तो अभी ये डिफ़ॉल्ट नंबर को ऑटो डायल नहीं करेगा और ये कॉल ही नहीं लगेगी जब तक हम नंबर सिलेक्ट नहीं करेंगे। देखिए फिर से मैं एक बार 3 बार दबाता हूँ, ये देखिए कोई काउंटडाउन नहीं चल रहा है और जब तक हम किसी नंबर को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये कॉल नहीं जाएगी उनके पास। ठीक है, ये देखिए कैंसिल कर सकते हैं या किसी नंबर को हम सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। तो दोस्तों ये थी वीडियो SOS इमरजेंसी नंबर पे, किस तरह से हम इमरजेंसी नंबर को डिफ़ॉल्ट नंबर को चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों हर एंड्रॉयड फ़ोन में लगभग इसी तरह की सेटिंग्स होती हैं SOS और इमरजेंसी फीचर के नाम से, तो आप सर्च कर लीजिएगा अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।